होली के पर्व को अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले की धर्मनगरी बस्ती में वृंदावन की तर्ज पर मनाई जाती है। होली के दिन सभी कस्बे वासी ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं, जिसके बाद भगवान को हाथी पर सवार होकर सभी जगह का भ्रमण कराया जाता है। यहाँ की होली वृंदावन की तर्ज पर भगवान लक्ष्मीनाथ के संग मनाई जाती है, जिसे क्षेत्र के लोग भारी संख्या में देखने आते हैं, जिसमें गांव के बालक बालिकाएं से लेकर बुजुर्ग तक बिना मतभेद के नाचते गाते शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। राम राम। होली एक भाईचारे का त्यौहार है। बस्ती ग्राम में वैसे होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बस्ती की होली के आगे ब्रज की होली भी हमको फीकी लगती है। उस दिन भगवान लक्ष्मीनाथ हाथी पर सवार होकर पूरे गांव का भ्रमण करते हैं और समस्त ग्रामवासी बैंड ढोल और डीजे के साथ नाचते हुए लक्ष्मीनाथ के जुलूस में आते हैं और हर जगह उनको जलपान नाश्ता के भंडारे लगते हैं। उसके बाद शीतला सप्तमी भी धूमधाम से मनाई जाती है और रंगतेरस भी धूमधाम से मनाई जाती है। बस्ती है पूरे भारत में, मैं कहता हूँ बस्ती ऐसा ग्राम है जहाँ तीनों होलियाँ धूमधाम से मनाई जाती है। जवरा बीज का खेल बस्ती का सुप्रसिद्ध खेल था। इसमें बस्ती शहर तथा खेड़े के आदमी खेला करते थे। भैंस की सींग अथवा बांस की नली का उपयोग किया करते थे। बारूद उसमें भरकर छोड़ा जाता था। उसकी आग 40-40 फीट दूर तक जाया करती थी। बस्ती शहर तथा खेड़े के आदमी इसमें भाग लिया करते थे और अपने बचाव के लिए गीली बोरी को कीचड़ से भरकर शरीर पर लपेट दिया करते थे और जंगली कछुए की खाल भी उसमें ढाल की जगह उपयोग में लिया करते थे। इस खेल को देखने के लिए पूरे राजस्थान के आदमी देखने के लिए आया करते थे। हुआ क्या कि एक आदमी इसी तरह बारूद भर रहा था और बारूद फटने से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये खेल बंद कर दिया गया था। बस्ती के बारे में जो होली खेली जाती है उसके इतिहास की जानकारी दीजिए। पहले हमारे पूर्वज मेरी दादी वगैरह बताते थे कि पहले बारूद से होली खेलते थे। दो टीमें बनती थी, एक खेड़ा और एक शहर। उसमें आपस में बांस की नलियों के अंदर बारूद भरकर एक दूसरे पर छोड़ा जाता था और बचाव के लिए तप्पड़ मिट्टी लपेट कर उसका तप्पड़ के ऊपर उसका बचाव करते थे। उसमें किसी प्रकार दुर्घटना हुई उसके बाद वो परंपरा बंद हो गई। करीब मनो में बारूद खर्च होता था। उसके बाद चालू हुआ घुमा मार के अंदर भी कुछ नियम शर्तें थी, कहाँ चोट देना कहाँ नहीं मारना। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने व्यवस्था पालने लगे और नियमों का उल्लंघन करने लगे तो वो परंपरा भी धीरे धीरे बंद हो गई। आज की तारीख में जब करीब 15 सालों से ये चल रहा है, भगवान हाथी के ऊपर विराजते हैं लक्ष्मीनाथ भगवान और पूरे गाँव में भ्रमण करते हैं। लोग अपने घरों से उनको होली खिलाते हैं। साथ में चलने वाले गुलाल से लाल गुलाल का उपयोग होता है, लाल गुलाल से होली खेलते हैं। पूरा गांव एक वृंदावन में जैसा वातावरण हो जाता है। पूरे गांव के लोग एक साथ, हर समाज इसमें इन्वॉल्व होता है, हर समाज इसमें भागीदार होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी समाज को साथ लेकर ये परंपरा जो निकली है बहुत अच्छी परंपरा है और इसका लंबे समय तक चलने वाली है और करीब 15 साल इसको हो चुके हैं। टाइम 8 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से दीपक व्यास की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।